दोनों वर्सेस नजर आ रहे हैं और दोनों फोकस नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स अगर हमें इलेप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो और हमें उसकी इक्वेशन लिखनी हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के शुरू में भी बताया था आपको सबसे पहले यह जज करना होगा कि एलिप्स किस टाइप का है उसका मेजर एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सिस है या पैरल टू वाई एक्सिस है यह जजमेंट आप दो तरीकों से कर सकते हैं एक तरीका है ऑब्जर्वेशन आप गिवन इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि इलिप्स किस टाइप का है अगर आप ऑब्जर्वेशन में इतने अच्छे ना हो तो आपको रफ स्केचिंग करनी होगी गिवन पॉइंट्स की रफ स्केचिंग करके भी आपको पता चल जाएगा कि इलिप्स किस टाइप का है अब स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की यहां पर स्टूडेंट्स देखें दोनों वर्सेस के अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है स्टूडेंट्स अगर दो पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स सेम हों तो वो दो पॉइंट्स किस किस्म की लाइन पर होते हैं शाबाश अगर ऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेम हो तो वो दोनों एक पर होते हैं, Students, पर होते हैं। axes, अगर है, तो हमें पता चल गया कि x है। Students, अगर आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखते दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स देखते तो वहां पर भी आपको ऑर्डिनेट सेम नजर आ रहे हैं और ये वही ऑर्डिनेट वैल्यू है जो कि आपको दोनों वर्टिसेस में नजर आ रही है सो so, हमें पता चल गया कि मेजर एक्सेस पैरल टू एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स अगर आप ये जजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं आप रफ में आप एक्स वाई प्लेन बनाकर इन पॉइंट्स के डॉट्स प्लेस करें आपके जहन में होना चाहिए कि मेजर एक्सेस के ऊपर दोनों फोकस होते हैं और दोनों वर्डसेस होते हैं जैसे ही आप ये डॉट्स प्लेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेजर एक्सेस पैरल टू एक्स एक्सेस बन रहा है स्टूडेंट्स जैसे ही हम जजमेंट परफॉर्म कर लेंगे तो हमारे जहन में उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जानी चाहिए अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जरा लिखते हैं हम ये हम सिंकिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन अभी देखते हैं मेजर एक्सिस है पैरल टू एक्स एक्सिस। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन वेयर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी फॉर एलिप्स स्टूडेंट्स हमें चार वैल्यूज मालूम करनी है एच के ए पहले बात करते हैं एच और के एच और के क्या होता है जी एच और K, के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों मौजूद हैं हमारे पास दोनों फोकस मौजूद हैं क्या हम सेंटर मालूम कर सकते हैं द आंसर इज यस सेंटर मिड पॉइंट ऑफ फोकस होता है दोनों फोकस का मिड पॉइंट सेंटर होता है या दोनों वर्डसेस का मिड पॉइंट सेंटर होता है हम वर्टस का मिड पॉइंट अगर मालूम कर लें वो भी सेंटर होगा हम दोनों फोकस का मिड पॉइंट अगर मालूम कर लें वो भी सेंटर होगा स्टूडेंट्स सेंटर की वैल्यूज हमारे पास आ गई ये हमने यानी प्लान कर लिया अब आ जाए ए और बी पर स्टूडेंट्स ए क्या होता है शाबाश ए होता है सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस अब अगर स्टूडेंट्स आपके पास पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं तो सेंटर से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस अगर आप मालूम कर लेंगे तो वो ए होगा स्टूडेंट्स एक और रास्ता भी हो सकता है ए मालूम करने का हमारे पास दोनों वर्टसेज गिवन है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये क्या होता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक ड्रॉ होने वाले लाइन सेगमेंट को हम मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कहते हैं वर्टेक्स से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए होता है यानी मेजर एक्सिस की लेंथ को हम कहते हैं टू ए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होगा वो टू ए होगा जहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स एक फोकस से दूसरे फोकस तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी के इक्वल होता है एक फोकस से दूसरे फोकस तक का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ सी के इक्वल होता है स्टूडेंट्स यहां से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी अब जब सी की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू हम मालूम कर चुके होंगे तो बी की वैल्यू हम अपने उसी फार्मूला से मालूम करेंगे दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रेंड्स ये है हमारा थिंकिंग प्रोसेस अब हम इसी प्लान के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द डेटा we knew that major axis of ellipse is parallel to x axis so standard equation स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन वेयर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी फॉर एलिप्स अब स्टूडेंट्स एच के ए और बी इन वैल्यूज को मालूम करने के लिए हम अपने थिंकिंग प्रोसेस में प्लान कर चुके हैं हम पहले बात करते हैं सेंटर की हम लिखेंगे एज सेंटर एच कॉमा के इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ वर्डसेस अब यहां मिड पॉइंट ऑफ फोकस भी आप लिख सकते थे हम दोनों फोकस का मिड पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं दोनों वर्सेस का मैं मिड पॉइंट मालूम कर रहा हूं मिड पॉइंट का आप जानते हैं कि अगर आपको दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना हो तो दोनों के एप्सिसस को सम करके टू से डिवाइड कर दें मिड पॉइंट का एप्सिसा आ जाएगा दोनों के ऑर्डिनेट्स को सम करके टू से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट आपको हासिल होगा माइनस वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन प्लस फाइव इज फोर फोर डिवाइडेड बाय टू इज टू वन प्लस वन इज टू टू डिवाइडेड बाय टू इज वन एच की वैल्यू आपके पास आ गई टू और के की वैल्यू आ गई वन अब स्टूडेंट्स दोनों वर्सेस का जो आपस में डिस्टेंस है ये हमने डिस्कस किया कि ये ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल होता है एज ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्सेस ट्वाइस ऑफ ए को हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस का नाम भी देते हैं ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्ट्स इन दोनों वर्टस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं माइनस वन माइनस फाइव प्लस वन माइनस वन अब वन माइनस वन तो हो गया जीरो माइनस वन माइनस फाइव इज माइनस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट सिक्स ए की वैल्यू आ गई थ्री इसके बाद हम दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं एज टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिट्वीन फोसाई टू सी स्क्वेर रूट ऑफ अब दोनों फोकस के दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं फोर माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर अब ये तो हो गया जीरो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन का स्क्वायर रूट अगेन फोर सी की वैल्यू आ गई टू अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू ये मौजूद है ये सी की वैल्यू आ गई अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमें वैल्यू चाहिए बी स्क्वायर की तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास है थ्री थ्री का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू है टू नाइन माइनस फोर इज फाइव बी की वैल्यू आ गई स्क्वेर रूट ऑफ फाइव अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी एच और के चारों वैल्यूज आ चुकी है हम स्टैंडर्ड इक्वेजन में पुट करते हैं पुटिंग वैल्यूज इन स्टैंडर्ड इक्वेजन स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एक्स माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास टू ओवर ए स्क्वायर ए की वैल्यू है थ्री थ्री स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के के वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है वन ओवर बी स्क्वायर बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इज इक्वल टू वन अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं X minus two whole square over nine plus Y minus one whole square over five is equal to one is required. क्वेशन अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी स्केचिंग की स्टूडेंट्स स्केचिंग के लिए हमारे पास वर्ड गिवन डेटा में मौजूद थे अब हमें चाहिए हैं co -wordses. Co -wordses मालूम करने के लिए हमें स्टूडेंट्स एक तो चाहिए था सेंटर और दूसरा बी की वैल्यू स्टूडेंट्स एच और के की वैल्यू भी हम मालूम कर चुके हैं बी की वैल्यू भी हम मालूम कर चुके हैं स्टूडेंट्स ये हमने इन वैल्यूज को यूज करते हुए कोवर्डसेस मालूम कर लिए ये आपके पास आ गए दोनों को वर्डसेज अब स्टूडेंट्स ये है हमारा एक्स वाई प्लेन ये हमने दोनों वर्डसेज को लोकेट किया दोनों के डॉट्स प्लेस कर दिए ये हमने दोनों को वर्डसेज को लोकेट किया दोनों के डॉट्स प्लेस कर दिए स्टूडेंट्स एलिप्स हमने ड्रॉ करना है सो हमने एलिप्स ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स ये हमने सेंटर भी मैंशन कर दिया और दोनों फोकस भी मैंशन कर दिए इस तरह से हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई बढ़ते हैं एक और पार्ट की जानब

स्टूडेंट्स अगर दो पॉइंट्स का ऑर्डिनेट सेम हो तो वो पॉइंट्स किस किस्म की लाइन पर होते हैं द आंसर इज वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डिनेट की वैल्यू है zero. ये किस किस्म की हॉरिजॉन्टल लाइन है शाबाश ऑर्डिनेट किस हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है द आंसर इज एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स दोनों फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं एक फोकस है स्कोयर रूट ऑफ फाइव कॉमा जीरो और दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव कॉमा जीरो इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि जो सेंटर है वो ऑरिजन पर है अब सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो सी होता है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव यहां पर सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमें सी की वैल्यू मिल रही है हमें एच और के वैल्यूज मिल रही है सेंटर चूंकि ऑरिजन पर है एच बी जीरो, K भी जीरो। अब students, हमें ए और बी की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। अब स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज मालूम करने के लिए जो फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो है इलिप्स का एक पॉइंट अब स्टूडेंट्स इलिप्स के इस पॉइंट का हमें क्या फायदा होगा यह मैं आपको जाकर बताता हूं अब सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा we knew that major axis of ellipse is parallel to x axis further एलिप्स इज सेंटर्ड एट ऑरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी नेक्स्ट बोर्ड पर लिखते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इज ग्रेटर देन बी स्टूडेंट्स सेंटर के बारे में हमें पता चल चुका है कि वो ऑरिजिन पर है हम लिखेंगे एज सेंटर इज जीरो जीरो सो एच जीरो के जीरो अब इसकी वजह से इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वेशन बिकम्स हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन सेंटर्ड एट ऑरिजिन के लिए बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसको नाम दे दें वन का अब स्टूडेंट्स हमें फोकस गिवन है दोनों हम लिखेंगे एज दोनों फोकस हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव कॉमा जीरो सो चूंकि सेंटर ऑरिजन पर है फोकस के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है एक्स सो so, हमें यहां से सी की वैल्यू पता चल रही है सी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ फाइव अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर अब यहां पर c की वैल्यू पुट की तो स्क्वायर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहां से स्टूडेंट्स हम ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर रहे हैं अब ये वैल्यू मैं क्यों मालूम कर रहा हूं ये आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस बी स्क्वेयर इसको नाम दे दें टू का स्टूडेंट्स हमारे पास है दो अननोन्स ए और बी एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई ए और बी इसके अंदर आ रहे हैं और एक और इक्वेशन हम अब हम मालूम करेंगे अब वो कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स हमें गिवन है एलिप्स का एक पॉइंट स्टूडेंट्स एलिप्स का ये पॉइंट है हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एलिप्स की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्यों पुट कर सकते हैं क्योंकि ये एलिप्स का पॉइंट है ये बात हमने जनरली मैथ्स में सीखी हुई है कि अगर आपके पास किसी कर्व का पॉइंट मौजूद हो उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मौजूद हों तो आप पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स उस कर्व की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वो पॉइंट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस कर्व की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं सो so, एक्स की जगह पर और वाई की जगह पर मैं ये एक्स और वाई वैल्यू पुट कर सकता हूं इससे मुझे एक और इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर ए और बी दो अननोन्स होंगे स्टूडेंट्स मैं अब यह पॉइंट यूज करता हूं मैं यहां लिखूंगा एज एलिप्स इज पासिंग थ्रू थ्री बाय टू कॉमा स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री सो इक्वेशन वन विल बिकम अब इक्वेशन वन के अंदर मैं एक्स और वाई की जगह पर ये पॉइंट पुट कर रहा हूं एक्स की जगह पर हमारे पास आ जाएगा थ्री बाय टू ओवर अब स्टूडेंट यहां पर मैं ए स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं फाइव प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब वाई की जगह पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अननोन है हमें इसको सॉल्व करने से बी की वैल्यू मिलेगी इसे सिंप्लीफाई करते हैं नाइन बाय फोर यहां पर नीचे आ गया फोर मल्टीप्लाई हुआ तो फोर फाइव आर ट्वेंटी प्लस फोर बी स्क्वेयर थ्री ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अब फर्दर हमने इसे सिंप्लीफाई करना है हम लेफ्ट साइड पर ले लेंगे एलसीएम बी स्क्वायर इन टू ट्वेंटी प्लस फोर बी स्क्वायर ट्वेंटी प्लस फोर बी स्क्वायर इसके साथ कैंसल नाइन बी स्क्वायर आ गया यहां पर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ कैंसल हमें मिला सिक्सटी प्लस थ्री फोरजार ट्वेल्व बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब स्ट्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाइन बी स्क्र प्लस सिक्सटी प्लस ट्वेल्व बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी स्क्वायर बेसिकली यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ गया ट्वेंटी बी स्क्वायर प्लस फोर बी रेज टू पावर फोर अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन फोर बी रेज टू पावर फोर प्लस ट्वेंटी बी स्क्वायर ये दोनों ऐड हुए ट्वेंटी वन बना माइनस ट्वेंटी वन बी स्क्वेयर माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट्स यहां पर ये यह हमारे पास आ गया फोर बी रेज टू पावर फोर माइनस बी स्क्वे माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बी स्क्वेर में क्वाड्रेटिक है मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा ये डिग्री फोर की इक्वेशन है लेकिन ये बी स्क्वेयर में क्वारेटिक है मैं यहां पर लिख सकता हूं फोर बी स्क्वेयर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वेर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तीन रस्ते हैं जो हमने सीखे हुए हैं एक है कि हम मिडल टर्म ब्रेक कर दें दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें और तीसरा हम कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड यूज करें स्टूडेंट्स हम मिडल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं फोर को मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्सटी के साथ तो हमें मिला माइनस टू फोर्टी हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस टू फोर्टी हो और सम या माइनस वन हो शाबाश अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्सटीन और फिफ्टीन दो नंबर हैं सो so, मैं यहां पर लिख रहा हूं फोर बी रेज टू पावर फोर माइनस सिक्सटीन बी स्क्र प्लस फिफ्टीन बी स्क्र माइनस सिक्सटीन बी स्क्र प्लस फिफ्टीन बी स्क्र आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस सिक्सटीन बी को अगर आप प्लस फिफ्टीन बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टू फोर्टी बी रेज टू पावर फोर माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है फोर बी स्क्वेयर फोर बी स्क्वेयर यहां से कॉमन हमें यहां पर मिला बी स्क्वायर माइनस फोर और यहां से हमें मिला फिफ्टीन कॉमन बी स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो अब फोर बी स्क्वेयर प्लस फिफ्टीन और बी स्क्वेयर माइनस फोर ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए इक्वल टू जीरो अब यहां से बी स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और फोर बी स्क्वेयर प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो यहां से स्टूडेंट्स बी स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाय फोर बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई माइनस फिफ्टीन बाय फोर स्टूडेंट्स क्या यहां से हमें रियल वैल्यू मिलेगी बी की शाबाश नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है सो so, बी हमारे पास क्या है फ्रॉम सेंटर से सेंटर से लेकर कोवर्टेक्स तक का डिस्टेंस है और हम यहां पर रियल इलिप्सिस की बात कर रहे हैं हम यहां पर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी इलिप्सिस की बात नहीं कर रहे ये स्टूडेंट्स एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है हम यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल फैक्ट रियल वैल्यू नॉट पॉसिबल रियल वैल्यू नॉट पॉसिबल यहां से b की वैल्यू नहीं मिली हमें यहां से b की वैल्यू मिलेगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2 अब स्टूडेंट्स ये b की वैल्यू आ गई टू हमारे पास c की वैल्यू पहले मौजूद थी सी की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव हम ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं पुटिंग इन इक्वेशन टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस बी square बी स्क्वायर की वैल्यू फोर अब स्टूडेंट्स यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर इज नाइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री अब वैल्यूज जाके इक्वेशन वन में पुट करते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेजन वन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वे दैर इज थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वेयर दैर इज टू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायेर ओवर नाइन प्लस वाई स्क्वायर ओवर फोर इज इक्वल टू वन ये स्टूडेंट्स आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेजन is रिक्वायर्ड equation. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी स्केचिंग की स्टूडेंट्स ये हमने शुरू में ही जज कर लिया था कि इसका सेंटर ओरिजिन पर है ये इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स ए की वैल्यू की बुनियाद पर ये हमारे पास आ गए दोनों वर्टसेस और बी की वैल्यू की बुनियाद पर यह हमारे पास आ गए दोनों को स्टूडेंट्स ये है हमारा एक्स वाई प्लेन ये हमने दोनों वर्डस को लोकेट किया दोनों के डॉट्स प्लेस किए और यह हमने दोनों को वर्डस को लोकेट किया दोनों के डॉट्स प्लेस किए हमने एलिप्स को ड्रॉ कर दिया ये हमने दोनों फोकस मेंशन कर दिए और देन सेंटर मेंशन कर दिया यह हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानेब

स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें करनी है जजमेंट सेंटर के बारे में तो हमें बता दिया गया है कि वो ऑरिजन पर है अब हमें ये जानना है कि ये इलिप्स इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरल टू एक्स एक्सिस है या पैरल टू वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि ये जो स्मेट ये जो इलिप्स है ये दोनों एक्सिस के लिहाज से स्मेट्रिक है स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर और इवन अगर आप ये दो पॉइंट्स भी शामिल कर लें तो इस गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम ये जजमेंट नहीं कर सकते कि इसका मेजर एक्सेस पैरल टू एक्स एक्सेस होगा या मेजर एक्सेस पैरल टू वाई एक्सेस होगा अब सवाल यह है कि हम किस इक्वेशन को बेस बनाकर इसको सॉल्व करेंगे Students, हम किसी भी इक्वेशन को बेस बना सकते हैं अब होगा क्या फर्ज करें अगर इसका मेजर एक्सेस हकीकत में पैरल टू एक्स एक्सेस है अगर हमने इसे पैरल टू वाई एक्सेस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू कर दिया तो ये अपने आप को खुद करेक्ट कर लेगा आखिर पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उससे हमें वाजे तौर पर पता चल जाएगा कि ये असल में मेजर एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सिस वाला एलिप्स था लेकिन हमने इनफैक्ट जो इक्वेशन यूज की होगी वो मेजर एक्सिस पैरल टू वाई एक्सिस वाली होगी अगर हमने आ, सही इक्वेशन स्टार्ट पर ही यूज कर ली तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है फिर तो ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न पर ये चलता चला जाएगा अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स सेंटर है इसका ओरिजिन पर और ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सेस हम कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करके इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द डेटा We knew that ellipses centered at origin and symmetric with respect to. Both axes. We consider its standard equation as X minus H whole square over A square plus. ई माइनस के होल इक्वल टू वन अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखकर आप यह समझ रहे हैं कि मैंने इसे मेजर एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सिस वाला एलिप्स कंसिडर किया है स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है मैंने यहां पर इस दफा ए ग्रेटर देन बी नहीं लिखा अब जिसका डिनोमिनेटर बिगर आएगा उसके मुताबिक ये एलिप्स अपने आप को खुद डिफाइन करेगा यानी इसका आंसर आखिर पर हमें बताएगा कि ये किस किस्म का एलिप्स था अभी हमने इसके बारे में जज नहीं किया अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है सेंटर जीरो कौमा जीरो एच की वैल्यू जीरो के की वैल्यू जीरो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं एज सेंटर जीरो जीरो सो एच जीरो के जीरो स्क्वायर स्क्वायर ओवर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई इसको नाम दे दें वन का अब स्टूडेंट्स हमें ये दो पॉइंट गिवन है एलिप्स इन दोनों पॉइंट में से पास कर रहा है। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के कोर्डिनेट्स इस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेंगे हम यह लिखेंगे एज एलिप्स इज पासिंग थ्रू टू कौमा थ्री एंड सिक्स कॉमा वन सो हम यहां पहले हेडिंग देंगे फॉर टू कॉमा थ्री एक्स की जगह पर टू और वाई की जगह पर थ्री हम पुट कर देते हैं टू स्क्वेयर ओवर ए स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन फोर ओवर ए स्क्वेयर प्लस नाइन ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन इसी इक्वेशन को नाम दे दें टू का अब हम लिखेंगे फॉर सिक्स कॉमा वन दूसरे पॉइंट के लिए X की जगह पर सिक्स और वाई की जगह पर वन हम पुट करेंगे इक्वेशन वन के अंदर सिक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल टू वन थर्टी सिक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्टूडेंट्स इसको नाम दे दें थ्री का हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं हमारे दो अननोन्स हैं ए और बी एक इक्वेशन है इक्वेशन नंबर और दूसरी है इक्वेशन नंबर थ्री हमने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमारे पास है थर्टी सिक्स ओवर ए स्क्वायर यहां पर है फोर ओवर ए स्क्वायर अगर मैं इस इक्वेशन को नाइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह बन जाएगा थर्ट सिक्स ओवर ए स्क्वायर सबट्रैक्शन से थर्टी सिक्स ओवर ए स्क्वायर थर्टी सिक्स ओवर ए स्क्वायर से कैंसिल होगा हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी दूसरी तरफ यहां पर है वन ओवर बी स्क्वेयर अगर मैं इसे नाइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा नाइन ओवर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन से नाइन ओवर बी स्क्वायर के साथ कैंसिलेशन होगी हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी यानी हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन हैं हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं मैं यहां पर कर रहा हूं इक्वेशन टू को नाइन से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय नाइन एंड सब्ट्रैक्ट equation 3 नाइन फोरजार थर्टी सिक्स ओवर a स्क्वायर प्लस नाइन नाइन एटी वन ओवर b स्क्र अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड में सबट्रैक्ट कर रहा हूं ये मैंने 9 को से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड को माइनस अब इसकी लेफ्ट साइड लिखने जा रहा हूं 36 ओवर a स्क्वायर माइनस की तरह से साइन चेंज हुआ -1 ओवर b स्क्वायर अब इसकी राइट right साइड इसको नाइन से चूंकि हमने मल्टीप्लाई किया यहां पर आ जाएगा नाइन माइनस वन अब स्टूडेंट यहां पर कैंसिलेशन थर्टी सिक्स ओवर ए स्क्वायर, थर्टी सिक्स ओवर ए स्क्वायर से कैंसिल एटी वन माइनस वन चूंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास मिला एटी ओवर बी स्क्वायर, इज इक्वल टू नाइन माइनस वन इज एट अब बी स्क्वेर एटी ओवर एट विल बी टेन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टेन बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ टेन प्लस माइनस हम नहीं लगा रहे चूंकि बी जो है ये distance है from center to ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू कोवर्टेक्स स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास बी की वैल्यू अब हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी अगर हम ये बी की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन टू में या इक्वेशन थ्री में तो हमें मिल जाएगी ए की वैल्यू हम लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में मैं ये बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं फोर ओवर ए स्क्वायर प्लस नाइन ओवर बी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है टेन इज इक्वल टू वन फोर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस नाइन बाय टेन टेन वन आर टेन टेन माइनस नाइन इज वन वन बाय टेन हमारे पास ये वैल्यू फोर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टेन अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी इक्वल टू फोर्टी का मतलब कि ए की वैल्यू हमारे पास है 40 को हम लिख सकते हैं इक्वेशन तो है. लिखने के लिए हमें सी की वैल्यू नहीं चाहिए हमें इनफैक्ट जो बाद में स्केचिंग करनी है उसके लिए हमें सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है ताकि हम दोनों फोकस भी लोकेट कर सकें एज C square is equal to a square minus b square. C square is equal to. अब a square की वैल्यू है 40. minus b square की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 10. 40 minus 10 इज 30. सो so, c की वैल्यू आ गई square root of 30. स्टूडेंट्स ये हमारे पास a square की वैल्यू और ये b square की वैल्यू इनसे हमें पता चल रहा है क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स हमने लिखा था, था। इससे हमें हमें यह पता चल रहा है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जो हमने इक्वेशन कंसिडर की थी उसमें हमने ये फैसला नहीं किया था उस वक्त कि किस किस्म का हमारे पास इलिप्स है लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू की वजह से अब ये फाइनली हमें पता चल रहा है अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन वन के अंदर पुटिंग वैल्यूज इन वन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 40 प्लस ओवर बी स्क्र की वैल्यू है हमारे पास टेन इज इक्वल टू वन अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि X का डिनोमिनेटर ग्रेटर है ये स्टूडेंट्स ग्रेटर वैल्यू ये बताती है कि हमारे पास ये जो इलेप्स है इसका सेंटर हमें शुरू में बताया गया था कि वो ऑरिजन पर है और ये दोनों एक्सेस के लिहाज से सिमेट्रिक है इसका मतलब है कि इसके जो फोकस हैं और वर्डसेज हैं वो दोनों एक्स एक्सेस पर आएंगे और इसके कोवर्टसिस वाई एक्सेस पर होंगे फोकस वर्टेक्स और कोवर्ट्स इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम ए बी और सी की वैल्यूज को यूज करेंगे इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसकी स्केचिंग की स्टूडेंट्स हमें सेंटर के बारे में तो शुरू में बताया गया था कि ये ऑरिजन पर है अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है बी की वैल्यू भी मौजूद है और सी की वैल्यू भी मौजूद है हमें यह भी पता चल चुका है कि इसका मेजर एक्सेस पैरल टू एक्स एक्सेस है इनफैक्ट एक्स एक्सेस के ऊपर है चूंकि ये दोनों एक्सेस के लिहाज से हमें बताया गया था कि स्मेट्रिक है ये स्टूडेंट्स हमने ए की वैल्यू की मदद से इसके दोनों वर्डसेस मालूम कर लिए ये बी की वैल्यू की मदद से हमने इसके दोनों को वर्डसेस मालूम कर लिए जो कि वाई एक्सेस पर आ रहे हैं ये स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन पर हमने वर्सेस को लोकेट किया डॉट्स लगाए और देन को वर्सेस को लोकेट किया डॉट्स लगा दिए इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दो फर्दर पॉइंट्स भी थे जो हमें शुरू की इंफॉर्मेशन में गिवन थे उनको भी इस दफ़ा यूज कर लेते हैं ये स्टूडेंट्स हमने उन दो पॉइंट्स के भी डॉट्स प्लेस कर दिए अब स्टूडेंट्स ये हमने ये एलिप्स ड्रॉ कर दिया एलिप्स ड्रा करने के बाद हमने दोनों फोकस भी मैंशन कर दिए और सेंटर भी मैंशन कर दिया इस तरह से हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूं कि आपने इसका पार्ट टेन जो है वो होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व करना है यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज